सब आपस में बढ़िया सा मैत्री भाव बना के चलें ताकि जी यात्रा का आनंद आवे। हाँ बिल्कुल बाकी तो भंते जी ने चेकलिस्ट डाल दी है कि आपको क्या क्या तैयारी करना है, तो वो चेकलिस्ट से लोग अपना अपना मिला ले कि हाँ नहीं वो चेकलिस्ट तो वो, दरअसल मेरे द्वारा डाली गई थी, लेकिन हाँ चले ठीक है, वो तो भंते वो बेहतर होगा। जी 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 बिल्कुल और बाकी भंते जी ने जो रुपए के लिए बात करी है तो जो अपना बदलवाने जैसा चाहे उचित है अपना बदलवा ले टाइम से तो बेहतर होगा। जी, धन्यवाद चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी साधारण नमो बुद्धाय जय गुरु। हेलो आवाज आ रही? हाँ हाँ जी आ रही। जी जी बताइए। जी, वैसे तो हम लोग कल मिले थे बंते जी से, हम और श्रद्धेय इंजीनियर सुभाष चंद्र जी और बोधाचार्य लोचन प्रसाद जी, तो काफी बातों का समाधान हो चुका है। और अच्छा आपकी क्या चर्चा हुई, जैसे जो भी आपके डाउट थे, मुझे लगता है बंते जी से आपने बात कर ली है, तो हमें एक दो पॉइंट मिले ताकि बाकी लोग भी, हमें भी हो सकता है वो डाउट रहा हो, तो अब चूंकि आपने क्लियर कर लिया तो हो सकता है बाकी लोग का भी क्लियर हो जाए। इसमें ये बात हुई कि जैसे मौसम यहाँ का हो सकता है बारिश हो या चिपचिपाहट हो, इसलिए कपड़े वगैरह अपने जैसे सूती टाइप के कपड़े हों, ज़्यादा जीन्स वगैरह टाइप के ना हो तो ज़्यादा आराम मिलेगा। और प्लस ये होता कि अगर संभव हो तो छोटी छतरी भी ले जा सकते हैं, और ये श्रीलंकन के लिए पैसे के लिए बातचीत हो गई है, और कुछ लोग जैसे अपने आप बदलना चाहते हैं तो उसके वो भी स्वतंत्रता है, पंत जी की तरफ से कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। फिर भी जो लोग मतलब पंत जी से बात किए होंगे या दिए होंगे उनको मिल जाएगा, और जो लोग नहीं अगर अभी तक पंत जी से संपर्क किए हैं तो मेरे समझ से सबको जो है व्यक्तिगत तौर से श्रीलंकन या डॉलर ले लेना चाहिए। बाकी टीम बहुत अच्छी है, पहले तो नहीं पता था लेकिन धीरे धीरे मालूम हो रहा कि परिचित लोगों में से भी काफी लोग हैं, और चूंकि एक भंते जी की अगुवाई में ये टूर बना है तो अच्छा ही होगा कि हम लोग मैत्री भाव से जो है बराबर बने रहें, और दूर के साथ ही नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि ऐसी पहचान बने कि हम लोग दूर के बाद भी एक आपसी भाव बनाए रखें। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा यहाँ पे भंते जी मेरा एक सवाल है, एक्चुअली मेरे से सवाल पूछा भी था कई लोगों ने, जैसे आपने एक मैसेज डाला था भंते जी कि जैसे श्रीलंकन रुपीज में भी हम साइट सीइंग का पे कर सकते हैं, है ना? हाँ, उसमें क्या है, जहां पर मान लो 10 10 डॉलर की टिकट है, ठीक है, और आपके पास 10 डॉलर नहीं है, तो जो टिकट काउंटर वाला है वो क्या करेगा, 10 डॉलर के इक्विवेलेंट जो भी जितना भी अमाउंट बनता होगा श्रीलंकन में उतना आपसे चार्ज करेगा। ठीक है, अब वो जो भी रेट लगाए, करंट रेट लगाए या उनके पास कोई 10 दिन का 5 दिन का रेट हो, जो भी होंगे उसकी इक्विवेलेंट वो कन्वर्ट करके आपसे श्रीलंकन में चार्ज कर लेगा। जी, ठीक है, तो इसका मतलब यह है टिकट कि जैसे टिकट हम, का प्राइस डॉलर में ही होगा, आप पेमेंट दोनों अमाउंट में, दोनों दोनों मनी में, पैसे में कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है, तो जैसे आपकी तरफ से क्या सुझाव है, हम लोग को क्या करना चाहिए, डॉलर में ही ले चलना चाहिए या मतलब जैसे मतलब श्रीलंकन रुपीज में मुझे भी ले? तो मेरा ये है कि जहां डॉलर में खर्चा है वहां डॉलर में करिए, क्योंकि टिकट का जब वो लोग अपने हिसाब से चेंज करेंगे तो रेट का कुछ निश्चित नहीं होता है। जी, अब ऑफ कोर्स वो मार्केट के रेट से कम ही लगाएंगे, ज्यादा तो लगाएंगे नहीं, है हाँ, ना, तो वो करना चाहिए। लेकिन चूंकि ऑप्शन दोनों हैं तो आप एक ही पैसा चेंज कराना चाहते करा सकते हैं। आज कल तक जितना लोगों ने मेरे से किया था, आज मैं सुबह गया था सावस्ती वो पैसा चेंज कराने, मैं वापस आ रहा हूँ, लखनऊ पहुंचने वाला हूँ, तो जितना लोगों ने अच्छा मेरे से कहा उतना मैंने चेंज करा लिया है।
अरे वाह, ठीक है। तो जितना लोगों ने कल तक हमें दिया था उतना अगर किसी को और भी चाहिए तो 17 तारीख को उसे मिल जाएगा। उबंती जी जिनके पास मैंने चेंज कराया वो 17 तारीख को लखनऊ आएंगे तो उन्हें फोन कर दूंगा, वो लेते हुए आएंगे श्रीलंकन, यहाँ उनको मैं इंडियन दे दूंगा। अगर किसी को लगता है कि हम नहीं करा पाए, मुझे और चाहिए, क्योंकि सारे लोगों का तो मुझे हुआ नहीं है, और जिस जो लोग अपने डॉलर से वहाँ एयरपोर्ट पे या श्रीलंका में जाके चेंज कराना चाहते हैं तो वो वहाँ करा सकते हैं, कोई ऐसी वो तो है नहीं, बाध्यता नहीं है किसी चीज की, एक बात। दूसरी बात जो मौसम की बात है तो वहाँ 25 से 30 डिग्री आसपास टेम्परेचर, उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन ह्यूमिडिटी 90% है। मौसम इस वक्त हमारे यहाँ से अच्छा है श्रीलंका में, बारिश का समय है, ठीक है। तो कुछ जगह पे 15-16 टेम्परेचर मिल सकता है एक दो जगह पे, बाकी जगह पे 25 से 30 के बीच में टेम्परेचर होगा, 90% ह्यूमिडिटी होगी, एक बात हो गया। और दूसरा कि हम सबको ये याद रखना पड़ेगा कि हम लोग पिकनिक पे नहीं जा रहे, हम लोग एक बुद्धिस्ट बौद्ध देश में, ठीक है, एक बौद्ध ग्रुप के रूप में एक टूर पे जा रहे हैं, जहां हमको वहां की श्रीलंका की नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ श्रीलंका के बौद्ध इतिहास को समझना है। हमारा टूर के साथ साथ एक बुद्धिस्ट स्टडी टूर भी होगा, ये इस बात का हम लोग ख्याल रखेंगे। और जैसा भीमराव इंजीनियर साहब ने बोला है कि हम लोग 7 दिन तक अगर कोई आपस में किसी का कुछ है भी बैर भाव तो वो निकाल देंगे, एक मित्रता साथ यूनिटी के साथ संघ के रूप में हम लोग ये 7 दिन की यात्रा करेंगे। किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ होगी तो हमसे बोलेगा, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने का, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, मेडिकल प्रॉब्लम, आपस में कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई समस्या आएगी तो हम लोग आपस में बैठ कर करेंगे। बाकी जो भी डेली का टाइम होगा वो हम डेली शाम को बताएंगे, सुबह जो उनको फॉलो करना होगा टाइम टेबल, कितने बजे उठना, कितने बजे जाना, कितने बजे वापस आना, ये डेली शाम को करेंगे। जो जो अभी तक हमने भेजा था PDF उसमें से कुछ चेंज, जैसे कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कि वो गांव वाले में हमको नहीं जाना, तो वो हम लोग वन डे बिफोर उसमें चेंजेस करके उसकी जगह ऑप्शनल जो भी होगा वो ऐड कर लेंगे। मुझे लगता है पदम सिंह जी, सॉरी पदम सिंह जी, आपका फोन म्यूट पे है, तो आप उसको अनम्यूट करिए तब बोलिएगा। जी 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 ओके जी, डॉक्टर साहब बताएं। हाँ जी, ये बताएं थोड़ा सा, जो कितने डॉलर मिनिमम डॉलर्स कितने रहने चाहिए? माने मिनिमम 100 डॉलर चाहिए वो उसके लिए, साइट सीन के लिए मिनिमम 100 डॉलर, उसमें काम चल जाएगा। जी जी डॉक्टर साहब। अच्छा, दूसरा ये बताइए, जो क्रेडिट कार्ड होता है तो क्या वो चल जाएगा क्रेडिट वाला? मेरी समझ, अगर उसमें इंटरनेशनल क्रेडिट और डेबिट दोनों चल रहा है, डेबिट कार्ड से ATM से विड्रॉ कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड को कहीं भी स्वाइप के रूप स्वाइप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वो टिकट काउंटर पर भी हो जाएगा क्या? बिल्कुल हर जगह हो जाना चाहिए, टिकट काउंटर पे जहाँ पर स्वाइप की व्यवस्था कार्ड स्वाइप करने की होगी वहाँ पे हो जाएगा, शायद सब जगह ना हो कार्ड स्वाइप करने का, लेकिन जहाँ होगा आपका UPI काम नहीं करेगा। ओके। अच्छा, ये जो आपके जो हमारी जो फ्लाइट टिकट्स हैं अभी से टिकट लॉटरी हुई, शायद वो तो हो जाएंगी। फ्लाइट टिकट आपकी फ्लाइट टिकट अपडेट हो चुकी, 2 बच्चों के नाम अपडेट होने थे वो कल तक हो जाएंगे, उसके बाद हम PDF भेज देंगे। ओके। अच्छा, ये जो एडल्ट के अपडेट हो चुके हैं आज दिन में, उसमें बच्चों के एडल्ट का होने के बाद बच्चों के ऐड होते हैं, तो LKT एयरलाइंस को भेजा गया है, शायद वो कल दोपहर तक अपडेट करके हमको वापस PDF भेजेंगे तो हम ग्रुप में डाल देंगे। राइट। दूसरा, जो इसमें इंश्योरेंस होता है वो शायद ऑलरेडी हो गया होगा? नहीं, इंश्योरेंस जो कराना होगा, इंश्योरेंस जिसको चाहिए तो इंश्योरेंस जो ट्रबल इंश्योरेंस होता है वो श्रीलंका हर किसी देश के लिए अनिवार्य होता है, श्रीलंका के लिए अनिवार्य नहीं है, अगर आप चाहें तो करवा सकते हैं आपकी सेफ्टी के लिए। अच्छा, अनिवार्य नहीं है, अदरवाइज तो जरूरी होता है ये। ओके। हाँ, किसी देश में जैसे थाईलैंड में अनिवार्य करते हैं, किया था बीच में, अभी उन्होंने भी फ्री कर दिया उसको, तो वो आप चाहें तो करवा सकते। हाँ जी, वो हेल्थ के वजह से उन्होंने कहीं कहीं अनिवार्य किया था, तो अब वो इश्यू नहीं है, कोरोना वाला गाइडलाइन खत्म कर दी, तो इसलिए
उसको भी इंश्योरेंस को भी फ्री कर रखा है उन्होंने, इसलिए हम लोगों ने कराया नहीं। आप जो चाहे तो यदि चाहता है कोई तो करा सकता है, बहुत कॉस्टली नहीं होता है वो, 500-600 रुपए का होता होगा शायद। अच्छा ठीक है। अच्छा ये टोटल जैसे मनी जैसे इसी में है आपका, साइट सीइंग है या लंच में है या दूसरा है, राउंड अबाउट कितना आता होगा पर पर्सन लगभग? एक्स्ट्रा नहीं किया जाता, हमने सर वो भेजा था जो पीडीएफ उसमें उसके अनुकूल जो हमको जो मैनेज कर रहा उसने जो भेजा उसका ये था कि साइट टिकट जहाँ पढ़ना उसका तो क्लियर लिखा था इतना इतना पढ़ना है क्योंकि वो तो पता होता है सबको। लंच का जो नाइन अप्रोक्सीमेटली उसने $9 पर व्यक्ति डाला था, अब वो कम ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि वो हम पे निर्भर करेगा कि हम क्या करते हैं या नहीं करते हैं उसके। थोड़ा सा भोजन वहाँ पे चीजें कॉस्टली हैं, लेकिन कॉस्टली हमको लगेगा पर हमको मनी भी तो ज्यादा मिल रही है ना, 100 रुपए के 350 मिल रहे हैं हमको, तो उसी हिसाब से वहाँ खर्चा भी है। ठीक है बंते जी, ठीक है बॉस, थैंक यू। बंते जी यहाँ पे मेरा एक और सवाल आया कि जैसे कि कोविड वैक्सीनेशन वाली बात है तो हम लोग का सॉफ्ट कॉपी चल रही है, हार्ड कॉपी? सॉफ्ट यानी हार्ड कॉपी रखना पड़ेगा इन केस मांगे। जब वीजा हमने डाला था तो वीजा में अनिवार्य ऑप्शन था तो मैंने सबके में यस करके डाल दिया था क्योंकि बिना उसके वीजा नहीं लग रहा था। वीजा हमने ऑनलाइन किया ना, सबको ऑनलाइन लिया है, वीजा सबका हो चुका है तो इसलिए वो सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। इनकेस अगर उन्होंने एयरपोर्ट पर नहीं मांगी तो वापसी में मांगेंगे। वापसी में आते समय एक रजिस्ट्रेशन करना होता है एयरलाइन की साइट पे, उसमें वो वैक्सीन सर्टिफिकेट मांगते हैं। हो सकता है चेन्नई में ना मांगे लेकिन, या लखनऊ में ना मांगे लेकिन कोलंबो में वापसी में मांग सकते हैं। तो इसलिए जिसके पास वो वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है उनको 72 आवर्स का एंटीजन अथवा आरटीपीसीआर सर्टिफिकेट रिपोर्ट, हाँ मतलब कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट लानी चाहिए। और मुझे लगता है अधिकतर लोगों के पास होगा तो सब लोग प्रिंट आउट निकाल लें, मतलब ये चीज कुछ लोगों के पास नहीं है, मुझे पता चला है कुछ लोगों के पास नहीं है। तो अभी हमारे पास अभी टाइम है, 72 घंटे पहले का चाहिए, चाहे तो एंटीजन करा लें चाहे तो आरटीपीसीआर करा लें। हाँ और बताएं। जैसे हम काठमांडू गए थे अभी रिसेंटली तो एक इंटरनेशनल वो एक फॉर्म होता है उसको फिलअप करना होता है ऑनलाइन, क्या पता नहीं श्रीलंका में वो है या नहीं। पहले एक गवर्नमेंट का एक वो था एयर सुविधा करके, गवर्नमेंट ने एक साइट बनाई थी तो हर इंटरनेशनल ट्रेवलर को उसमें अपना डाटा फीड करना होता था। एयर सुविधा को इंडिया ने होल्ड पे डाल दिया, बंद कर दिया अभी। अच्छा किंतु कुछ एयरलाइंस का रिटर्न के समय में एक डाटा फीड करना पड़ता है, उसको री रजिस्ट्रेशन बोलते हैं रिटर्न में। तो इंडिगो में अभी वो लागू है, जब हम आने लगेंगे आते समय बोर्डिंग बनाएंगे तो हमको एक रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद ही वो हमको बोर्डिंग पास देंगे। उसमें वैक्सीन सर्टिफिकेट अथवा इसकी जरूरत पड़ेगी जो नेगेटिव रिपोर्ट की। अच्छा मतलब इधर जाने के लिए नहीं है, वापस समय नहीं चाहिए। ओके जी बंते जी एक और जो, जो जो अभी तक की जानकारी है मेरे पास उसके हिसाब से। ठीक जी बंते जी यहाँ पे मुझे एक और चीज याद आई, जैसे कई लोग कहते हैं इमिग्रेशन में वो लोग पूछ देते हैं कभी कभी कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी बुकिंग कहाँ है, कौन किस सारे लोगों का लोकल एड्रेस वीजा में डाल रखा है हमने। ठीक है, वहाँ का लोकल एड्रेस हमने एक डाल रखा है, वो मैं दे दूंगा। दूसरा ये है कि हमने जब वीजा भरा तो हमने जो रीजन भरा वो ट्रेवलिंग एंड साइट सीइंग डाला है, तो वो क्लियर कट है। जैसे ही आपका पासपोर्ट इमिग्रेशन वाले स्कैन करेंगे उनके पास बस का। हेलो हाँ जी बताइए बंदे जी बताइए जी। तो जैसे ही आपका इमिग्रेशन पासपोर्ट स्कैन करेंगे ना जी जी, तो वो इस बात का आंसर क्यों जा रहे हैं आपको और आपका लोकल एड्रेस क्या है वो उनके पास है, इमिग्रेशन के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। ठीक है, तो इन केस वो हमसे जैसे वाइवा होता है वैसा ले ले तो हमको क्या बताना है? हाँ हम साइट सीन के लिए जा रहे हैं, साइट सीन के लिए जा रहे हैं और जो हमारा वहाँ का एक लोकल एड्रेस है वो लोकल एड्रेस हम ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे। इन केस अगर आपको चाहिए तो वो हो जाएगा, बाकी
जो ट्रेवल एजेंसी वाले का उसका नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं तो रहूंगा ही ना, सबसे लास्ट इमिग्रेशन में ही करूंगा। नहीं नहीं तो कोई वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर कुछ आती है तो मैं हैंडल कर लूंगा। नहीं नहीं वो तो है, वो तो जैसे मैंने मतलब सब लोग पूछा वो तो मुझे तो क्लियर है। टूर प्रोग्राम है बंटे जी, इसमें पर हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर कुछ बुद्धिस्ट किताबें मिल जाए, कुछ मतलब लिटरेचर मिल जाए। हाँ बिल्कुल, आपको हम हर जगह ये कैंडी में भी मिल जाएगा, और कोलंबो में स्पेशल दुकानें हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर की। तो जब हम लोग लास्ट डे कोलंबो में होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि जो वहाँ श्रीलंका में बुद्धिस्ट आइटम के पूरा मॉल होते हैं, जहाँ हमें बुद्ध भगवान की फोटो मतलब बहुत सारी चीजें जो जो बौद्ध धर्म से संबंधित होती है वहां पर उस तरह की दुकानें अलग से होती हैं। तो ऐसे एक मार्केट में जाएंगे शॉपिंग के लिए, और जिसको किताब की जरूरत पड़ेगी तो ऐसे बुक स्टोर पर भी चले जाएंगे, जैसा रिक्वायरमेंट होगी वैसा आप लोग बताएंगे उसी हिसाब से वहां हम मैनेज करा लेंगे। मैं गोकुल प्रसाद मंत्री जी बंदाम जी, शुक्रिया मंगलो जी। बंदी जी ये ऑप्शनल जो चार दिए गए हैं तो क्या ये भी दिखाए जाएंगे वहाँ? मेरा कोशिश ये होगा कि अगर हम लोग जैसा जैसा अगर टाइम सेव करते हैं तो जितना है उससे ज्यादा हम लोग कवर करेंगे। अच्छा जी, और बंदी जी जो 25 ये 25 और 20 और ये क्या क्या डॉलर में होंगे? हाँ उसमें लिखा है जो USD लिखा है वो USD में, LKR लिखा है वो श्रीलंकन में। अच्छा 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 ठीक बनते जो सबसे पहले 25 वाला लिखा है वो सीगरी है, सीगरी एक पहाड़ी पे है मोनोमेंट, वहाँ पे एशियन पेंटिंग है और फोर्ड है एशियन जो बहुत ऊंचाई पे है, तो उसमें शायद सब लोग नहीं चढ़ पाएंगे, तो जो नहीं जा पाएगा उसको नहीं देना होगा, जो जाना चाहेगा उसको। अगर कोई नहीं जाना चाहेगा तो हम लोग बाहर से देख करके दूसरे डेस्टिनेशन के लिए चले जाएंगे, ऐसा हमने सुना किया। नहीं लेकिन मंत्री जी मैं जाना चाहूंगा सीगरिया का, मैंने देखा तो हाँ बहुत वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को की साइट है वो। जी जी ठीक है ठीक है ठीक है जी। के टी नारायण जी कोई सवाल? नमो बधाई सभी लोगों को, सभी लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया है, और बंते जी ने जो इंतजाम हम लोगों के लिए कर रहे हैं और सपोर्ट दे रहे हैं सब, अभी तक तो कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है जी, जी, तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ठीक है थैंक यू ओके। मंत्री जी सभी लोगों को बताया, नहीं तो ऐसे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, मैं आप सभी को सुन रही हूँ और ग्रुप में भी देख रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो अभी किसी की जरूरत है। जी जी धन्यवाद धन्यवाद जी। तो ओम नारायण अहरवाल जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। बंते जी को बंदाम, धम बंधुओं को धम बंधुओं। इसमें बंते जी बस एक जिज्ञासा है मेरे दिमाग में कि ये जो हिल्स एरिया है जहाँ पर टेम्परेचर कम रहेगा तो हमको बहुत एक ही दिन तक जाना, इतना भी कम नहीं रहेगा कि हमको जी। तो आप गूगल पे नूरलिया डालिए और टेम्परेचर आज का देखिए क्या है वहाँ, आपको पार्टियां लग जाएगा कितनी ठंड होगी। जी 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 केवल नूरलिया एरिया में थोड़ा ठंडक होती है, बाकी जगह इतना ठंड नहीं, तो मतलब गर्म कपड़ों की आवश्यकता नहीं रहेगी? नहीं बिल्कुल नहीं है। ठीक है बंदा नहीं होगा कोई स्पेशल कोई शूज वगैरह कुछ रिकमेंड करेंगे या यही चलेगा? बिल्कुल आप आ चुके, आपको वॉक करना है तो स्पोर्ट शूज जिसके पास हो तो अच्छा है, चप्पल में चलने में दिक्कत होगी। हम लोग घूमने जा रहे हैं, घूमने जाने का मतलब होता है चलना, और शूज में चलने में आरामदायक होता है। बंटी जी क्या उस जगह में सफेद कपड़ों की भी जरूरत पड़ सकती है क्या? जी बहुत अच्छा है, यदि हम जाएंगे जैसे हम लोग कैंडी बुद्ध विहार में जा रहे हैं, कैंडी टेम्पल, वहाँ व्हाइट ड्रेस ही अच्छा होता है, वहाँ व्हाइट ड्रेस में जाएंगे, और हम लोग लास्ट डे वापस आते समय एक हमारे गुरु जी हैं उनके विहार में जाएंगे, वो आपको लोग के लिए चाय पार्टी के इंतजाम किए हैं, तो उस विहार में जाएंगे तो वहाँ भी हम लोगों को व्हाइट ड्रेस अच्छा, ऐसे कुछ एक जगह व्हाइट ड्रेस में अच्छा है, जो मेन फेमस टेम्पल है कैंडी उसमें व्हाइट ड्रेस में जाना अच्छा, तो हमें लगेगा कि हम लोग बुद्धिस्ट टूर पे हैं। ठीक है बंदा मंदिर जी बंदा। तो बंदे जी $200 हमारे हमको भी चाहिए फिर काइंडली।
$200 आपको सर चाहिए तो एक हम लोगों ने जांच लिया था कि हुसैनगंज में चिंटल हाउस में एक रिया ट्रेवलर्स है, वो आपको शायद सही रेट दे देगा। पहले जहाँ से हम लोग लिए वो उस रेट सही नहीं दे रहा था, ब्लैक मार्केट में बहुत महंगा है, 87-88 रुपया कुछ है। कल नोएडा में किसी ने और सीपी सिंह ने लिया 88 में, एक दिन में 87 में लाया था, फिर हमने दोबारा रिया ट्रेवल्स लिया था उसने 84 रुपए में दिया था। उसका नंबर होगा अच्छा हम देख लेंगे। जी नंबर है उसका, हम ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे, अभी कॉल ये खत्म होने के बाद ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे। राइट और उसको बोल देना कि आप वो टिकट मांगेगा तो बोलना कि सारे लोग टिकट हमको बता देना कि आप वो टिकट जो पेंडिंग है उसी में हमारा भी आ जाएगा, तो हम उसको भी 2-3 दिन के बाद टिकट भेजेंगे, क्योंकि मनी चेंज करने के लिए आपको वीजा टिकट और पासपोर्ट पैन कार्ड चाहिए होता है। अच्छा अच्छा, अभी आप श्रावस्ती से भी तो बता रहे थे ना, कुछ वहाँ से आएंगे बनते जी, वहाँ से भी हो सकता है? नहीं नहीं, वो श्रीलंकन करेंसी के लिए अगर चाहिए। अच्छा, श्रीलंकन करेंसी के लिए। अच्छा, क्योंकि श्रीलंकन करेंसी लो करेंसी होती है, मार्केट में नहीं मिलती है। बाकी जो करेंसी जी अच्छा, श्रीलंकन करेंसी तो लेनी होगी। बाकी आप यूएसडी से भी एयरपोर्ट पे श्रीलंकन का चेंज कर सकते हैं, आप श्रीलंका के अंदर घूमने के दौरान भी कर सकते हैं, वो यूएसडी से चेंज करना आसान, कोई इशू नहीं। इंडियन पैसे से श्रीलंका के अंदर चेंज करना मुश्किल है, एयरपोर्ट पे मिल जाएगा पर रेट अच्छा नहीं मिलेगा। तो लंकन करेंसी भी चाहिए बंदे जी हमको? हाँ सर, आपको जहाँ श्रीलंकन ही लगना है टिकट में श्रीलंकन चाहिए, आपको लंच करना है, कॉफी पीना है, कुछ शॉपिंग करनी है, सोवनियर लेना, तो उसके लिए तो श्रीलंकन करेंसी चाहिए जरूरत पड़ेगी। तो कितना मिनिमम कितना है बता दीजिए ना, उतना ही ले लें। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 5000 इंडियन रुपीस का श्रीलंका हम कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको 17-18 हजार के आसपास मिल जाएगा, काम चल जाएगा। हाँ, उतने में मिनिमम काम चल जाएगा आपका मिनिमम। और आप शॉपिंग करेंगे सर तो उसका तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं होता उसका, तो वो बात केवल मिनिमम वाली थी बस। हाँ, तो मिनिमम 5000 कराने से आपका काम चल जाएगा, 100 USD और 5000 इंडियन का श्रीलंकन 17-18 हजार के आसपास मिल जाएगा आपको, तो उसमें काम चल जाएगा, बड़े आराम से काम चल जाएगा। चलिए, दैट्स अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन। चलिए फिर हम ऐसा करते हैं, 5000 लंकन का हमारा अगर हो जाता है भंते जी से, ना, तो बिल्कुल हो जाएगा सर, आप मुझे बता दीजिए, 5000 का वो करवा दीजिए, और तो हम क्रेडिट कार्ड से काम चला लेंगे फिर वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं जी। और फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ कम पड़ेगा तो हम अरेंज करा लेंगे वहाँ से, कुछ ऐसा इशू भी नहीं। इन केस किसी को जरूरत पड़ गया कुछ नहीं तो वहाँ जो लोग हमको हेल्प कर रहे हैं उन लोगों से हम कर सकते हैं चेंज, क्योंकि वो अपना इंडियन ग्रुप लेके आता है तो उसको इंडियन दे करके चेंज लिया जा सकता है। जी जी जी, बहुत बहुत साधु जी जी। बंदे जी, ये बंदे जी ये पूछना था कि ये हम लोगों के मोबाइल काम करेंगे वहाँ की नहीं करेंगे? नहीं सर, आपके अगर आप इंटरनेशनल रोमिंग करा के जा रहे हैं तो काम करेंगे, यदि आप इंटरनेशनल रोमिंग करा के नहीं जा रहे हैं तो आपका नंबर काम नहीं करेगा, आपको एयरपोर्ट पे 7 दिन के लिए एक सिम खरीदनी पड़ेगी। जी 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 जी, या फिर कहीं पर जहाँ व्हाट्सएप अवेलेबल होगा वहाँ से आप वाईफाई वाले एरिया, अगर जैसे हम होटल में रुकेंगे, हमारे सारे 4-स्टार होटल किए हैं है ना, तो 4-स्टार होटल में ये उम्मीद करते हैं कि वाईफाई फ्री होगी। हाँ, वो दे देते हैं। हाँ, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, या फिर आपके कोई साथी ने सिम खरीदा है तो उससे हॉटस्पॉट लेकर के व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, ये आपके आपसी कोऑपरेशन पे निर्भर करेगा। जैसे आप दो लोग जा रहे हैं तो एक सिम लिया जा सकता है। अच्छा अच्छा, ये चार्ज करने के लिए क्या अडाप्टर कोई डिफरेंट है या ये काम चल जाएंगे? डिफरेंट तो होता है लेकिन कहीं कहीं ये काम कर जाता है, पर ज्यादातर वो पतली पिन वाला होता है। यदि आप लोग एक इंटरनेशनल ट्रेवलर अडाप्टर आता है, अच्छा, तो वो लेने से किसी भी देश में काम करता है, उसके प्लग निकाल के दूसरे लगाने से ऐसे वो चेंज होता है, तो वो इंटरनेशनल अडॉप्टर जो है, इंटरनेशनल अडॉप्टर करके होता है, चलो, तो वो आसानी से कहीं भी मिल जाता है, किसी भी मॉल में, इलेक्ट्रॉन जैसे रिलायंस डिजिटल में भी मिल जाता है, क्रोमा में भी मिल जाता है, वो लेने से काम चल जाएगा, अच्छा है वो रहने से। जी, नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को।
मेरी रिक्वेस्ट थी कि दोबारा से एक बार चेकलिस्ट ग्रुप पे अगर सेंड कर देंगे, क्योंकि जब तक मैं ग्रुप में जुड़ा तब तक वो चेकलिस्ट शायद शेयर हो चुकी थी। प्रबल जी, वो चेकलिस्ट जो किया था वो बहुत कुछ उसमें था, लेकिन कुछ ऐसा इश्यू नहीं है, डॉक्यूमेंट मैं कर दूंगा। अच्छा ठीक है, करते हैं, लेकिन उतना कोई बहुत इश्यू वाला चीज नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं वो तो। और प्रबल जी आप तो वैसे भी इंटरनेशनल एयरलाइंस में है, आपको तो ट्रेवल करते रहते, आपको पता है क्या क्या जरूरत पड़ती है। पिताजी जा रहे हैं एयर विस्तारा में है, ओके ओके, तो इनकी पोस्टिंग अभी दुबई में है जी। तो मैं वही पापा को एक बार एड्रेस कर दूंगा कि ये चीजें लेके जानी है, और हालांकि मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आज रात तक आप सबको बता दूंगा अगर कुछ डॉलर्स का इंतजाम यहाँ से हो सकता है। लखनऊ से मेरे एक दो लोग जानने वाले हैं, अगर कुछ अच्छे रेट्स में मिल जाता है तो मैं आपको बंदे जी के थ्रू एक बार इंटीमेशन दे दूंगा, अगर कुछ अच्छे रेट्स पे मिल जाता है तो जी। और उसके अलावा मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग, हालांकि चेकलिस्ट में होगा जरूर होगा, बट एटलीस्ट सभी लोग इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हैं तो बेसिक मेडिसिन जरूर लेके कैरी करें अपने अपने साथ में, क्योंकि कुछ बेसिक मेडिसिन लेके चलना जरूरी है, और इंटरनेशनल लेवल पे मेडिसिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। तो ये मेरी काइंड ऑफ रिक्वेस्ट है सबसे। श्रीलंका में, श्रीलंका में मेडिसिन इस वक्त बहुत महंगा है, मेडिकल इक्विपमेंट बहुत महंगे है, श्रीलंका क्राइसिस में रहा ना अभी, मुझे कुछ लोगों ने वो बीपी मशीन मंगाया है, शुगर वाला मंगाया है, कुछ दवाइयां मंगाई हैं, मुझे लेके जाना है वहाँ लोगों के लिए। तो जिसको शुगर प्रॉब्लम रख ले, जिसको बीपी का प्रॉब्लम है तो बीपी जो जिससे हम लोग नापते हैं उसको रख ले, वो जरूरी है, वो कैरी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी प्रबल जी, आप बात करें आप। जी जी हाँ, और वही जब मेडिसिन कैरी करेंगे तो प्रिस्क्रिप्शन जरूर लेके चलें, कई बार जो एयरलाइंस होती हैं वो एक्सेप्टेंस के टाइम में प्रिस्क्रिप्शन मांगती हैं, तो बेटर वो हम लोग अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके चलें जो भी मेडिसिन लेंगे उसको, जिससे कोई ऑफलोड ना करे, कई बार सच्चे में ऑफलोड हो जाती हैं या कई बार चेक इन के टाइम में हो जाती हैं, तो बेटर जो भी मेडिसिन लेके चलेंगे उसका प्रिस्क्रिप्शन भी लेके चलेंगे, बस मेरी यही क्वारी थी। रेस्ट अगर कुछ रहेगा, अगर मेरे लिए कुछ वहां से रिक्वायरमेंट रहेगी तो आप बंदे जी बता दीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बोला। जी जी, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। चेकलिस्ट और जो ट्रैवल अडेप्टर है उसका एक मैंने लिंक ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दिया है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। बाकी सुभाष चंद्र जी, आपका अगर कुछ क्वेश्चन हो। जी नमाम भंते जी। जी सुखी हो, मंगलो। मेरा एक क्वेश्चन है कि किसी बुद्ध विहार में हम सभी लोगों को बैठ करके बुद्ध वंदना करने के साथ साथ वहां से कुछ प्रमाण पत्र मिलने के चांस की व्यवस्था है? देखिए सर, बुद्ध किसी भी बुद्ध विहार नहीं, कई जगह पे हम लोगों को बैठ कर बुद्ध वंदना करना, ये करने का, ये सारा चीजें तो बिल्कुल होना, करना भी चाहिए और करेंगे भी, लेकिन कोई प्रमाण पत्र मिलने का ये मैं कोई इंश्योर नहीं कर सकता। किस चीज का प्रमाण पत्र मांगेंगे उनसे? हम लोग ये प्रमाण पत्र होता नहीं है। नहीं, जैसे हम लोग उस बुद्ध विहार में गए हैं तो उस बुद्ध विहार से कुछ हम लोगों के लिए यादगार के लिए ये मिल जाए कि हाँ हम लोग उसमें इतने आधे घंटे 20 मिनट उस बुद्ध विहार में अपना टाइम दिया है और वहां से के भंते जी से हमने कुछ सीखा है, हम इस पर्पस से कह रहे हैं। मैं कोई कोशिश करता हूं, मैं इंश्योर नहीं कर सकता सर्टिफिकेट या किसी तरह कोई प्रमाण पत्र के लिए या किसी तरह के लेटर के लिए। स्मृति पत्र जैसे होता है यादगार के लिए हमारे पास रहे ज्यादा अच्छा होगा। चलिए मैं कोशिश करूंगा कि किसी जगह लास्ट में एक बंते जी हमारे यहाँ जिनके यहाँ मुझे हमको जाना है उनसे बात करता हूँ, लेकिन वो चलिए कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर ये ऐसा हो जाए तो सभी लोगों का एक अच्छा वो रहेगा कि हाँ हम लोग इस बुद्ध विहार में श्रीलंका में गए अपने किसी उसमें। हम आपको एक काम तो कर सकते हैं कि जो जिस ट्रेवल एजेंसी से हमने बात किया उस उनकी तरफ से एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं कि हमने श्रीलंका यात्रा इतने इतने टाइम में किया, आप लोग यहाँ यहाँ गए, ऐसा तो मैं एक बनवा सकता हूँ। हाँ, जैसे ये भी हो जाए या किसी बुद्ध विहार का वहाँ के उसका हो जाए तो सबसे अच्छा होगा। ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं एक विहार क्योंकि ये सब चीजें यादगार के लिए रहती हैं। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, बनवाता हूँ।
जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ग्रुप में मैंने एक वीडियो भेजा था जो हम लोग जब थाईलैंड जा रहे थे, वो वीडियो था, बट मुझे लगता है कई लोगों ने वो वीडियो देखा नहीं होगा, तो भंते जी फिर भी मैं चाहूंगा एक बार उसको समराइज कर देते हैं। जैसे हम लोग केबिन में या हैंड बैगेज में 7 किलो ले जा सकते हैं, क्या मैं सही हूं भंते जी? और उसमें क्या ले जा सकते हैं, वेट कितना है, एक बार वो रिपीट कर दीजिए सबको। 30 kg ओके 30 जी जी, इसको भंते जी थोड़ा इलैबोरेट कर दीजिए। लेकिन एक चीज और है, वो बहुत लार्ज साइज का बैग ना हो, स्मॉल और मीडियम साइज का बैग ही कैरी करें, जिससे कि आपको उठाने रखने में और वो जो बस में रखना उतारना चढ़ाना होटल में ले जाना है ना, उसमें आसानी होती है। कई बार लोग बड़ा बड़ा बहुत बड़ा बिग साइज का बैगेज ले लेते हैं तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। जी हेलो, एक चीज और, क्या चीज ले जानी है क्या चीज नहीं, एक बार ये भी बता दीजिए सबको। क्या चीज ले जाने, क्या नहीं, आपका जो भी नेसेसरी आपकी दवाइयां हैं, आपका सेविंग किट है, आपके कपड़े हैं, है ना, ये सब चीजें आपको जरूरत है। और कोई जरूरत आप 7 दिन कपड़े रखने जी, 7 डेज के लिए आपको चेंज करना है। हालांकि वहाँ पे पहले दिन पहले होटल में हम लोग 3 दिन रुकने वाले हैं, तो लॉन्ड्री कर सकता है पर डे, पर डे की एक कितना है जी? नहीं नहीं, ये जो एक तो हो गया लगेज, लगेज में कितना, 21 kg है कितना? नहीं सर, 30 है यहाँ पर जी, इंडिको ने 30 दिया है, कभी 20 देती है कभी 30, हम लोग श्रीलंका इंडिको थाईलैंड गए थे, इंडिको तो 20 kg ही दिया था। हाँ इतना ही देते हैं यूजुअली। हाँ शायद 30 है, मैं फिर भी क्लियर कर दूंगा, 30 kg है वैसे। 30 plus 7 हेलो एक्चुअली हाँ जी जी बताइए। हाँ हम ये कर रहे थे बंते जी से एक बार चर्चा में बात आई थी कि एक आइडेंटिटी कार्ड टाइप का जो है बंते जी के संस्था के द्वारा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग बनाने के लिए आप लोग अपने एक एक फोटो कैरी कर लीजिएगा, क्योंकि सबकी फोटो मैं भेजूंगा उसको तो वो चेंज कर देगा इधर उधर। बाकी मैं एक डिजाइन किया हूँ, मैं एक कल परसों में उसको प्रिंट निकलवा दूंगा। जी जी, वैसे वो तो पासपोर्ट जो है वो आइडेंटिटी कार्ड ही की तरह से यूज होता है, और पासपोर्ट नहीं, ये वो आई कार्ड गले में टांगने वाला आई कार्ड की बात करके हम लोग टूर में जा रहे हैं, तो एक एक एक, एक हमारे पास उसकी बात, जैसे एक तरह का आई कार्ड होगा ना तो लगेगा कि हाँ इंडिया से आए हुए हैं। हम लोग ग्रुप में थोड़ा सा सहूलियत भी होगी उसमें, एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन में सहूलियत भी होती है कि एक ग्रुप में जा रहे हैं, बुद्धिस्ट टूर पे हैं, तो बौद्ध देश में काफी सहूलियत देते हैं, नरमी से बात करते हैं। तो मैं कर दूंगा, बना दूंगा। एक चीज और बनते जी, हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था कि जब हम लोग अपना जो बैगेज है स्टिकर लगा लें तो थोड़ा अच्छा रहता है, स्टिकर से हम लोग के लिए खुद के लिए सहूलियत रहती है। उसमें आपको एक पहचान चिन्ह अपना लगा, जिससे कि आप जो बेल्ट पे, जब बेल्ट पे बैगेज आता तो बेल्ट पे बहुत सारे बैग होते हैं, आपको अपना पहचानने में आसान हो जाएगा। बस उसके लिए आपने कोई कपड़ा कलर का बांध लीजिए, कुछ बांध लीजिए जिससे कि आपको लगे कि आपका बैगेज, उसको चूज करने में दिक्कत ना हो। जब हम लोग जाने लगेंगे तो एयरपोर्ट पे हम लोग कुछ क्लियर कर लेंगे, कौन कौन सी चीजें हैंड बैगेज में जाएंगी, कौन कौन सी चीजें बैगेज में जाएंगी। जी जैसे बैटरीज है, जितनी बैटरी पावर बैंक, ये सारी चीजें हैंड बैग में जाएगी, बैगेज में नहीं जाएगा। जी आपका जो जो आपका सारा सारा बैगेज में जाएगा, हैंड बैगेज में नहीं जाएगा। जेल स्प्रे बैगेज में जाएगा, हैंड बैगेज में नहीं जाएगा। जी बंसी जी, मैं एक बार, हाँ मैं एक बार आपको सबको बता देता हूँ, जनरली वहाँ पर जाने के बाद कुछ भी हैसल ना रहे, तो इस केस में जितने भी आपके कोई भी नुकीले आइटम है या कुछ भी 100 ml से ज्यादा, वो सब आप हैंड बैगेज में ना कैरी करें। बैटरी बताया, जो बैटरी आप नॉर्मल बैटरी एक या दो बैटरी कैरी कर सकते हैं हैंड बैगेज में, उससे ज्यादा नहीं। और ऐसा कोई भी आइटम स्पेशली जो नुकीला होता हो या कुछ हार्मफुल होता रहेगा, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। स्प्रे, मच्छर मारने वाली दवा, ऐसा कुछ भी, वो भी चेक इन और हैंड बैगेज दोनों में अलाउड नहीं होगा।
तो ये सारी चीजें हैं, वो चीजें आपकी चेकिन में भी मतलब नॉर्मल, अगर आप चेकिन में जैसे कई लोग स्प्रे रख लेते हैं कि वहाँ पर मॉस्किटोज वगैरह तो नहीं होंगे, तो मॉस्किटो वगैरह का स्प्रे भी अलाउड नहीं है। और नॉर्मल कुछ भी आइटम आपको हैंड में रखना है, वो हैंड वाला बैग, आपका हैंड वाला आइटम, कोई भी ऐसा कुछ शार्प आर्टिकल नहीं होना चाहिए। और साथ साथ उसमें आप 100 ml से ज्यादा चीजें हैंड बैगेज में ना रखें, तो किसी भी तरीके का हैजर नहीं होगा। बस आपको चेक इन में मैक्सिमम चीजें आप कैरी कर सकते हैं चेक इन में, अदर देन आपका ये जो मैंने मॉस्किटो, आपका मॉस्किटो का जो जनरली लोग कैरी करते हैं, या मॉस्किटो रैकेट भी हो गया, वो भी अलाउड नहीं है। ये सारी चीजें एक बार आप बेहतर होगा कि वो ना कैरी करें। एक बहुत अच्छी बात बोली अभी, ये जो यूनिफॉर्मिटी वाली बात है, चूंकि हम बौद्ध स्टोर पे आप लोग जा रहे हैं, और स्पेशली जो ये कार्ड वाला सिस्टम है, कार्ड वाला सिस्टम बहुत इजीली सबके लिए हो जाता है, अगर वो रहेगा तो इजीली डेडिकेटेड हो जाता है कि हाँ ये ग्रुप जा रहा है, तो उनका स्पेशली काउंटर्स पे एक इजीली ग्रुप चेक इन काउंटर भी मिल जाता है, इमिग्रेशन पे इजीली वो एक साइड से जा सकते हैं, और साथ साथ अगर बहुत अच्छा रहेगा सब लोग फॉलो कर सकते हैं, फॉलो कर सके कि जाने और आने में स्पेशली जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो अगर सेम यूनिफॉर्मिटी हो, काइंड ऑफ कुर्ता पैजामा हो सकता है एक सेम कलर का, या आने में जिससे लगे कि प्रॉपर एक बुद्धिज्म टूर है, और साथ साथ अलग से पहचान में भी आ जाएंगे एयरपोर्ट पे, तो एक दूसरे से कोई मिस भी नहीं होगा। ये मास्क का भी कुछ है क्या, फेस मास्क? अभी रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गए हैं, बाकी अपनी सेफर साइड के लिए लेके जा सकते हैं, लगा सकते हैं, बट ऐसी रिस्ट्रिक्शंस खत्म है अभी, कर सकते हैं। नहीं, मैं केवल ये जानना चाहता था कि ये जैसे हमको लंगर करेंसी चाहिए तो किसके अकाउंट में भेजना है बंते जी पैसा? 5000 आप मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है बंते जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कभी भी कोई डाउट तो मुझे, मेरा नंबर सबके पास है, मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी या ग्रुप में पूछ सकते हैं या हमसे फोन कर सकते हैं, दोनों बात। ठीक है चलिए, तो आप लोग तैयारी करिए, बहुत समय नहीं बचा हम जाने के लिए, जी तो आप लोग अपनी अपनी तैयारी करिए, मिलते हैं हम लोग जल्दी सब लोग, कहता हूँ कि अच्छा यादगार टूर होगा आप लोगों का। ठीक है, ठीक है, बताएं बनते जी, ठीक है।